हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 12, काफी लंबा चैप्टर है ये, ठीक है ना, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। थोड़ा सा बच्चा यहाँ पर इस वर्ड को लेकर कन्फ्यूज है कि कीमोथेरेपी एजेंट होते क्या है, है ना। यहाँ पे बच्चा क्यों कन्फ्यूज है कि वो उसको कीमोथेरेपी को सीधा कैंसर से जोड़ दे रहा है। किससे जोड़ दे रहा है? कैंसर से। अब बात को समझना, तो यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज़ है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, इंट्रोडक्शन में समझेंगे होते क्या है और किन सिद्धांतों पर कीमोथेरेपी की जाती है, कैसे की जाती है। तो देखो बेटा, सीधा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये दो शब्द हैं यहाँ पे हमारे पास, कीमो मतलब केमिकल और थेरेपी, थेरेप्यूटिक मतलब इलाज। एक तरह से हम लोग केमिकल की हेल्प से हम बीमारी को ठीक कर रहे हैं, सीधा उसको मतलब हो जाता है कीमोथेरेप्यूटिक। और जो एजेंट, जो केमिकल ऐसा करते हैं, उनको हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास इंट्रोडक्शन में, जो बात को समझेंगे। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, बेटा ये ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ टर्म्स आने वाले हैं, एंटी माइक्रोबियल, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, ये सब एक ही शब्द हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो क्या कह रहा है, एंटी माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स को किल करेंगे आर डिजाइन टू इनिबिट और किल। इनिबिट मतलब रोक दें या मार दें। जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं, या तो रोक देंगे या मार देंगे द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करता है, जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन फैलाता है, उसको वे मार देंगे। एंड टू हैव नो अब्लिक मिनिमल इफेक्ट ऑन रिसिपियंट, और जो इंसान इसको खाएगा उसके ऊपर, या होस्ट कह लो, उसके ऊपर या तो कोई भी असर नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा मतलब, या होगा तो बहुत थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ थेरेपी इज जनरली कॉल्ड कीमोथेरेपी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। विच हैज कम टू मीन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक जो हमारा ब्लड वगैरह में, मतलब बॉडी में फैला हुआ है, उसका इन्फेक्शन का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद स्पेसिफिक ड्रग, किसी खास दवा से, डेट सिलेक्टिवली सप्रेस और किल। जो सिलेक्टिवली, मान लो तीन चार तरह के ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में, है ना, कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया भी हैं तो उनको कुछ नहीं करेगा, जो खराब, जो पैथोजेनिक है, जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, सिलेक्टिवली, मार्क कर लेंगे इस वर्ड को, सिलेक्टिवली सप्रेस और किल द इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट। तो कहीं ना कहीं ये दो लाइनें सेम ही हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो इसी पहली वाली लाइन को थोड़ा सा ब्रॉड वे में एक्सप्लेन कर दिया है कि एंटी माइक्रो ड्रग्स होते क्या, जो इनिबिट करते हैं, किल करते हैं, बिना रिसिपियंट जिसने लिया है उसको बिना नुकसान पहुँचाए। और इसे डिटेल वे में समझें कि ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और सिलेक्टिवली सप्रेस, सिलेक्टिवली किल करते हैं, ये एक मेन वर्ड रहेगा यहाँ पर, सिलेक्टिवली सप्रेस और किल, ठीक है ना। और होस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, होस्ट मतलब जो इंसान इनको खाता है। नाउ द बेसिस ऑफ सिलेक्टिव माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी इज द एक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। द बेसिस ऑफ सिलेक्टिव माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी, जिस माइक्रोब ने टॉक्सिसिटी फैलाई है उसको ही क्या करेगा ये, इज द एक्शन ऑफ द ड्रग, उसी के ऊपर ड्रग क्या करता है, हमारा एक्शन करता है ऑन ए कॉम्पोनेंट ऑफ द माइक्रोब, ठीक है। देन एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो एक्चुअली क्या है, द बेसिस ऑफ सिलेक्टिव माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी इज द, सॉरी थोड़ा सा समझते हैं, द बेसिस ऑफ सिलेक्टिव माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी, कि ये किसी खास माइक्रोब के लिए ही क्यों टॉक्सिक होते हैं, उल्टा हो गया, कि जो हमारे केमिकल्स हैं द बेसिस ऑफ सिलेक्टिव माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी, किसी खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल क्यों करते हैं, क्योंकि किल करते हैं इज द एक्शन ऑफ द ड्रग। क्यों करते हैं ऐसा ड्रग, क्योंकि वो माइक्रोब के किसी कंपोनेंट को टारगेट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल हो गई, बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक खास कंपोजिशन होता है, वैसा कंपोजिशन हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो उसी बैक्टीरिया को जाकर किल करेगा, और मेटाबॉलिक प्रोसेस या उसके अंदर होने वाली कोई खास मेटाबॉलिक प्रोसेस को टारगेट कर देगा जो हमारी बॉडी में नहीं होती है, तो उसको ही किल करता है, किसी और को किल नहीं करेगा, जैसे कि फॉलेट सिंथेसिस दैट इज नॉट फाउंड इन होस्ट, जो कि होस्ट में नहीं पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाएगी तो उसी को किल करता है। और हाई एफिनिटी फॉर सर्टन माइक्रोबियल बायोमोलिक्यूल्स, या जो माइक्रोब्स में पाए जाने वाले कुछ बायोमोलिक्यूल हैं, जैसे कि ट्राइमिथोप्रिम फॉर बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जैसे ट्राइमिथोप्रिम बैक्टीरिया में पाया जाता है,
इस चीज के लिए बहुत जबरदस्त उसकी एफिनिटी होगी, उसको खत्म करना, तोड़ मरोड़ देना, जिससे कि फाइनली बैक्टीरिया क्या होगा, मर जाएगा। जैसे कि हमारे बॉडी का बायोमॉलिक्यूल, अगर हमारी बॉडी में हम कुछ ऐसा खा लेंगे सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो हम भी मर जाएंगे, उसी तरह बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल जैसे ट्राइमिथोप्रिम है, उसको अगर जाके हमारी दवा खत्म करती है तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया भी क्या होगा, मर जाएगा। तो ये क्या है, सिलेक्टिविटी। इसकी सिलेक्टिविटी आ कहां से रही है, क्यों ड्रग उस बैक्टीरिया को ही जाके किल करता है, या तो उसका सेलवाल को वो टारगेट कर लेता है जो हमारे अंदर नहीं होगा, या उसके अंदर होने वाली किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को टारगेट कर लेगा, या उसके अंदर के किसी बायोमॉलिक्यूल को टारगेट कर देगा। ठीक है, ड्यू टू एनालॉजी बिटवीन द मलिग्नेंट सेल, मलिग्नेंट हो गया अपने कैंसर सेल, कौन से आ गए, कैंसर सेल, एंड द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। कहीं ना कहीं मैग्नेट सेल जो कैंसर सेल है और पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, वो आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं, एक समान हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ न्यूप्लास्टिक डिजीज विद ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड कीमोथेरेपी, और इसी वजह से न्यूप्लास्टिक डिजीज को जो ट्रीटमेंट करते हैं हम, वो भी क्या कहलाती है, कीमोथेरेपी ही कहलाती है। तो कंफ्यूज मत करना, न्यूप्लास्टिक मतलब होता है कैंसर, कैंसरस डिजीज, ठीक है ना। तो ये पैरा इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, वन मार्क्स क्वेश्चन में निकलता है यहाँ से। ओके, अब सिंपल से डेफिनेशन की बात करें, कीमोथेरेपी क्या, कीमोथेरेपी इज द साइंस, यह एक साइंस है दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो डील करती है डिजीज के ट्रीटमेंट के, बाय मीन्स ऑफ किसके द्वारा, बाय मीन्स ऑफ केमिकल, केमिकल के द्वारा जब हम कोई बीमारी को ठीक करते हैं तो वो कीमोथेरेपी कहलाती है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी एजेंट कहते हैं, दैट हैव ए स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट, उसका टॉक्सिक इफेक्ट स्पेसिफिक है, किसी खास को ही जाकर के वो केमिकल मारेगा, सबको, हर टाइप के सेल्स के ऊपर वो असर नहीं करता, है ना, स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट अपॉन द डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही जाके असर करेगा, किसी और पर जाकर असर नहीं करेगा, और डेट सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कैंसरस टिश्यू, या जो कैंसरस टिश्यू हैं, जो टिश्यू कैंसर में बदल चुके हैं, उनको ही जा करके टारगेट करता है, और आजू बाजू वाले सेल जो अच्छे सेल्स हैं उनको टारगेट नहीं करते। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आर कौन कौन से हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, जिसके अंदर एंटीबायोटिक भी आती हैं, एंटीफंगल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, इसीलिए इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, करीब 14 टाइप की वैरायटीज हमें पढ़नी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूँ कीमोथेरेपी को समझ गए होगे और अब याद भी हो गया होगा, मन से लिख सकते हो अब, है ना। ठीक है, आगे आते हैं, अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं, समझ लें, जैसे एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, दीज आर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेरे ख्याल से जो अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी अच्छे से तो हम लोगों ने उस टाइम पे डिस्कस किया था, डीफार्म फर्स्ट ईयर में, अगर याद है अच्छी बात है, वरना यहाँ फिर से देख लेते हैं। यह एक तरह का सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक खास तरह का केमिकल सिक्रीट करता है, निकालता है अपने अंदर से, जिसकी वजह से उसके आसपास के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, और यहीं से पेंसिलिन की खोज हुई थी, याद है पेंसिलिन वाली कहानी। ठीक है, जो सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा निकाला जाएगा, जो कि सिलेक्टिवली सप्रेस कर देगा, दवा देगा या मार देगा ग्रोथ और किल अदर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एट वेरी लो कंसेंट्रेशन, मार्क करेंगे बेटा, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे से माइक्रोग्राम में रहता है या मिलीग्राम्स में रहता है, और वो क्या करता है, उनको किल कर देता है आसपास वाले ऑर्गेनिज्म को, बहुत थोड़े से कंसंट्रेशन में। दिस डेफिनेशन एक्सक्लूड्स अदर नेचुरल सब्सटेंस विच आल्सो इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर प्रोड्यूस्ड बाय हायर फॉर्म्स, एग्जाम्पल एंटीबॉडीज। इसके अंदर, इस डेफिनेशन में एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स में कौन नहीं आते हैं, दिस डेफिनेशन एक्सक्लूड्स, निकाल देती है, कौन काउंट नहीं होंगे, नेचुरल सब्सटेंस विच आल्सो इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, बट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है ना, ये सब्सटेंस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मारते हैं लेकिन प्रोड्यूस किए जाते हैं हायर फॉर्म्स, जैसे कि एंटीबॉडीज, और इवन दोस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स बट आर नीडेड इन हाई कंसंट्रेशन। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, तो भी एंटीबायोटिक नहीं माना जाएगा उसे, मार्क कर लेना, इसलिए मैंने वेरी लो कंसंट्रेशन मार्क कराया था, ठीक है ना। जैसे कि इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स है, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स नहीं है, क्लियर। अब कीमोथेरेपेटिक एजेंट, तो बेटा ध्यान रखना, चाहे हम लोग बात कर लें एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, चाहे हम बात कर लें कीमोथेरेपिक एजेंट की, बात एक ही है, ठीक है।
अब एंटीबायोटिक वैरायटी आ जाती है हमारी कीमोथेरेपिक एजेंट के अंदर। इनिशियली दिस टर्म वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू सिंथेटिक कंपाउंड। शुरुआत में क्या था, जो कीमोथेरेपिक एजेंट कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड था, सिंथेटिक कंपाउंड जो हम बनाते थे, बट सिंस मैनी एंटीबायोटिक्स एंड देयर एनालॉग्स हैव नाउ बीन सिंथेसाइज। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और कई सारे उसके मिलते जुलते सिमिलर कंपाउंड हम लोगों ने खोज लिए, दिस क्राइटेरिया हैज बिकम इररिलेवेंट। अब ये कहना कि जो सिंथेटिक कंपाउंड है उसी को हम लोग कीमोथेरेपिक एजेंट कहे, वो सही नहीं था। फिर हुआ क्या, बोथ सिंथेटिक एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोड्यूस्ड। अब इसके अंदर सिंथेटिक के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको भी इसके अंदर काउंट किया गया। ड्रग्स नीड टू बी इंक्लूडेड टूगेदर, इन दोनों को साथ, यानी कि जो चाहे सिंथेटिक हो चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा हो, दोनों काउंट किए जाएंगे टूगेदर। इट वुड बी मोर मीनिंगफुल टू यूज द टर्म एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। तो चाहे कीमोथेरेपिक एजेंट कह लो चाहे एंटी माइक्रोबियल एजेंट कह लो, ये टर्म बदल बदल के इस्तेमाल होते रहेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर आता है हमारा एंटीबायोटिक्स, ठीक है, टू डेजिग्नेट सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरली ऑब्टेन ड्रग्स दैट अटेन्यूएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो अब एंटी माइक्रोबियल कहना ज्यादा बेटर है, ठीक है, सिंथेटिक और जो नेचुरल, उन दोनों को जो कि अटेन्यूएट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अटेन्यूएट का मतलब क्या होता है, उसको रोक देंगे या मार देंगे, क्लियर है। ओके, तो ये स्टार्टिंग है। मेरे ख्याल से कीमोथेरेपी से क्या समझना है, कीमोथेरेपी का मतलब कैंसर को मारने वाली दवा नहीं, हर एक केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लस कैंसर दोनों को खत्म करता है वो कीमोथेरेपी के अंदर आता है, क्लियर है। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है, डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले वही प्रिंसिपल है इसका। सबसे पहले क्या करेगा वो, प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी और कीमोथेरेपी। हमको कीमोथेरेपी करनी है, किसी को एंटीबायोटिक्स देने हैं, एंटी माइक्रोबियल देने हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायग्नोज करते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कहाँ है, यूटीआई इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, हार्ट इन्फेक्शन है, कहाँ पर है, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके लिए जिम्मेदार है, सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग, कोई बॉडी जो बॉडी हमारी वो ड्रग के सेंसिटिव तो नहीं है ड्रग के लिए। फिर हम डिसाइड करते हैं कि कीमोथेरेपी जरूरी है कि नहीं है, कीमोथेरेपी हर बार काम नहीं आती है, ठीक है ना। एक्यूट इन्फेक्शन रिक्वायर कीमोथेरेपी, एक्यूट मतलब जो एकदम तीव्र होता है, बट क्रोनिक इन्फेक्शन में नॉट, शायद जो क्रोनिक इन्फेक्शन है उसमें शायद कीमोथेरेपी काम ना आए, ठीक है, तो डिसीजन लिया जाता है। फिर सिलेक्ट द ड्रग, फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी ड्रग देनी है, सिलेक्ट द ड्रग, ड्रग सिलेक्ट करते हैं डैट की सिलेक्टिविटी जो सिलेक्ट करेंगे वो सप्रेस करेगा, किल करेगा इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट। हम ड्रग ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मारेगा लेकिन होस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एग्जाम्पल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, जिसमें स्पेक्ट्रम मतलब किन किन ऑर्गेनिज्म को वो किल करता है वाला ड्रग, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ ड्रग किन किन, स्पेक्ट्रम एक्टिविटी कह लो या वही एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है कि किन किन ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो दवा दे रहे हो, जो मेडिसिन खिला रहे हो, ड्रग दे रहे हो, किन किन ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। तो स्पेसिफिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर, ठीक है ना, बॉडी में जाकर के फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, अब मत कहना कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या आ गया, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को देखा जाएगा। देन पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, एलर्जी तो नहीं है, कोई रीनल डिजीज तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं और फिर जा करके हम उसको आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उनकी दवाइयाँ देते हैं, ये सब चीज़ें देखने के बाद। अब फिर फ्रिक्वेंसी डिसाइड होती है, कितनी बार दिन में खानी है, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग कितने दिनों तक खाना है, ठीक है ना। इन एडिक्वेट डोज, अगर डोज पर्याप्त नहीं होगी, मान लो दिन भर में होनी चाहिए जो डोज होनी चाहिए, दिन में तीन बार खानी चाहिए, डॉक्टर ने कहा एक ही बार खानी है, inadequate dose may develop resistance, resistance develop हो जाएगा। अब resistance का मतलब समझते होगे अच्छे से, resistance क्या होता है, उस दवाई का असर नहीं होगा उस microorganism के ऊपर। intermediate dose may not cure infection, अगर तुमने intermediate dose दे दी, मतलब dose पर्याप्त नहीं थी, देनी चाहिए थी 500 mg, तुम दे रहे हो 200 mg, तो infection ठीक नहीं होगा। optimized dose should be for therapy, जो dose है वो क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज डोज का हमें क्या करना है, यूज करना है थेरेपी के लिए, क्लियर होगी बात। आगे आते हैं, फिर कह रहा है टू और मोर एंटी माइक्रोबियल शुड नॉट बी यूज्ड, दो या दो से ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करने चाहिए विदाउट ए गुड रीजन, जब तक कि आप एक अच्छा रीजन ना ढूंढ लें उसको देने के लिए। तो कब दिया जाएगा, क्या अच्छा रीजन है कि हमको एक साथ दो एंटीबायोटिक देने हैं, अगर हमको क्या है मिक्स्ड बैक्टीरियल
इन्फेक्शन है जिसको हम पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, तो हम दे सकते हैं एक साथ एक या दो एंटीबायोटिक, जैसे कि अपना टीबी वगैरह में होता है, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस जो हो जाती है, अदरवाइज एक टाइम पर एक ही एंटीबायोटिक चलती है नॉर्मल केसेस में, ठीक है ना। डेस्परेटली इल पेशेंट ऑफ अननोन एटियोलॉजी, मतलब पेशेंट बहुत बीमार है पता ही नहीं है, हम जांचें करते चले जा रहे हैं बीमारी का कारण नहीं पता चल रहा, तो उस केस में हम लोग मल्टीपल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी दवा शायद सूट कर जाए। फिर आगे क्या होता है, टू प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हमें संभावना है कि कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है, हम एक एंटीबायोटिक देंगे तो उसके खिलाफ वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, तो उस केस में हम मल्टीपल ड्रग्स चलाते हैं, जैसे कि टीबी के केस में, या हमको सिनर्जिस्म लानी हो, सिनर्जिस्म मतलब दो ड्रग मिल करके एक ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना, मिल करके एक दूसरे की पावर को इंक्रीज करते हैं, सिनर्जिस्म पढ़ चुके हैं हम लोग फार्माकोलॉजी में, उस केस में हम लोग मल्टीपल ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यू थेरेपी, फिर थेरेपी हमने फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर ली, दो एंटीबायोटिक देने कि नहीं देने वो डिसाइड कर लिया, फिर कंटिन्यू, फिर थेरेपी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर इन्फेक्शन एक्यूट है, नॉर्मली जब हम लोग जाते हो खर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, तो 3 दिन से लेकर के 5 दिन या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत है तो 5 दिन से लेकर 10 दिन तक आपका क्या चलता है, ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। बट सम ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सेप्शन टू दिस, लेकिन कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सेप्शन है, वो 5 से 10 दिन में ठीक नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीबी, टाइफाइड फीवर कम से कम 20-21 दिन लग जाता है, ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, जो अपना हार्ट का जो अंदर की लेयर होती है ना, एंडो कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट अंदर की लेयर क्या होती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। आफ्टर क्लिनिकल क्योर द थेरेपी इज कंटिन्यूड टू अवॉइड रिलैप्स, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब टीबी का हम लोग इलाज करते हैं ना, तो मान के चलो कि क्या कह रहा है, आफ्टर क्लिनिकल क्योर टीबी ठीक भी हो जाती है 6 से 7 महीने के अंदर, लेकिन 2-3 महीने या 1 महीना हमें एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है कहीं वापस से वापस ना आ जाए, सिस्ट ना बन गए हो, उसने अपना को रेजिस्टेंस ना कर लिया हो और वो वापस से आ ना जाए, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा क्या लंबा चलाना पड़ता है। थेरेपी कर दी, अब क्या है, बंदा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, नॉर्मल ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। आफ्टर थेरेपी सिम्टम्स एंड साइन में डिसअपियर बिफोर पैथोजेंस इरेडिकेटेड, हो सकता है ऐसे टीबी केस में होता है, टीबी के लक्षण 4-5 महीने दवा खाओ खत्म हो जाते हैं, टीबी के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीबी का बैक्टीरिया आपकी बॉडी से खत्म हो गया, वो वहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग टेस्ट करते हैं, तो वही लिखा है आफ्टर थेरेपी सिम्टम्स एंड साइंस में डिसअपियर, साइंस और सिम्टम्स हो सकता है खत्म हो गए हो, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना कि पैथोजन इरेडिकेट नहीं हुआ हो, पैथोजन वहीं हो, तो उसकी टेस्टिंग होती है, फिर अगर वो पाया जाता है तो फिर थोड़ा और लंबा चलता है। देन प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी, प्रोफाइलेक्टिक मतलब क्या होता है, टू अवॉइड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, क्या मतलब हो गया इसका, कि अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट यूजेस इंट्राथिकल कीमोथेरेपी, इंट्राथिकल मतलब क्या होगा, कीमोथेरेपी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द थिन लेयर्स ऑफ टिश्यू दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और हाई डोज कीमोथेरेपी या हाई डोज दिया जाता है इंजेक्टेड इनटू वीन टू किल कैंसर सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो प्रोफाइलेक्टिक हो गया एक तरह से कि हम लोग एक हाई डोज दे रहे हैं या इंट्राथिकल कीमोथेरेपी कर रहे हैं, जिससे कि क्या है कि हमको सर्जिकल सर्जरी की जरूरत ना पड़े, उसको अवॉइड करने के लिए एक हाई डोज का यूज किया जा रहा है। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या बेसिक प्रिंसिपल, हम कोई भी तरह का इन्फेक्शन, अच्छा इसमें 3 वर्ड हैं, एक इन्फेक्शन है, एक इन्फेस्टेशन है, एक न्यो, ठीक है ना, 3 वर्ड आएंगे, कीमोथेरेपी है इन्फेक्शन, चाहे इन्फेक्शन हो बेटा, ठीक है ना, दूसरा वर्ड आएगा इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन मतलब होता है जब कीड़े, जैसे पेट में कीड़े वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ऐसे तो करोगे, सेम तरीका रहेगा। फिर तीसरा आता है नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक डिजीज है ना, उसमें भी देखा जाता है कौन सा कैंसर है, कहाँ पे सेल्स हैं, किस टाइप के हैं, कौन सा केमिकल हमें देना है, सेम प्रोसेस रहेगी। तो कोई भी आ जाए फिलहाल, तुमको क्या करना है, किसी के लिए भी अगर नाम लिख के आ जाए इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन या नियोप्लास्टिक डिजीज, उसका बेसिक प्रिंसिपल है कीमोथेरेपी का, उसको तुम लोग यही लिख करके आओगे। वैसे ये सबसे बेस्ट जब अपना है जनरली इन्फेक्शन के लिए पूछा जाता है, जनरल प्रोसेस आता है कि कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल बताइए, ठीक है ना, बट अपने सिलेबस में मेंशन है इन्फेस्टेशन यानी कि कीड़े और नियोप्लास्टिक मतलब कैंसरल सेल, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल इसको ये लिख के आओगे अभी, ठीक है ना, कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी हमारा ये होता है, सब में यही चलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं उसमें, अभी हमें ज़्यादा नहीं जाना,
फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल है ना, ये कुछ याद आ रहा होगा जिन लोगों ने मेरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एंटीमाइक्रोबियल वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, तो वहां पे मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया कि एंटीमाइक्रोबियल जो है वो कौन कौन आते हैं उसके अंदर, एंटीबायोटिक्स आते हैं, ठीक है, याद आ गया होगा, याद आया, फटाफट बताओ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर देखे हैं, अगर किसी ने कुछ और देख रखा तो अलग बात है। तो ये चार्ट याद आ गया होगा, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीपैरासिटिक और एंटीप्रोटोजोल। तो बेटा इसीलिए मैं कहता हूँ, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं है बेटा कुछ भी, जो पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, यहाँ काम नहीं आएगा तो तुम्हारे आगे लाइफ में काम आ जाएगा, तुम्हारे आगे एग्जाम में काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं क्लासिफाई, मतलब एंटीमाइक्रोबियल्स को इन चार तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर, सल्फोनामाइड, ठीक है, किनोलॉन्स, पीटालेक्टम एंटीबायोटिक्स, तमाम है, टेट्रासाइक्लिन, इसमें काफ़ी सारे अपने कोर्स में भी है, पढ़ेंगे हम लोग, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोक रहा है, सेल को लीक कर दे रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस रोक दे रहा है, आरएनए रीडिंग को खराब कर दे रहा है, या इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, स्टैटिक है उसको रोक दे रहा है, या साइडल है, साइडल मतलब किल कर दे रहा है, बैक्टीरिया को रोकता है कि बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। अब देन स्टैटिक और साइडल, ये दोनों मिक्स काम करेंगे। साइडल में दो तरीके से है, कुछ समय के बाद एक्टिविटी दिखाते हैं, या हायर कंसेंट्रेशन, कितने कंसेंट्रेशन पे एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगा तुम्हारे पास, बात समझ में आ रही है। तो साइडल में कंसेंट्रेशन के आधार पर और टाइम के आधार पर वो साइडल एक्टिविटी दिखा सकते हैं कि एक इतने समय तक लगातार लोगे तो साइडल एक्टिविटी करेगा, इतने कंसेंट्रेशन में लोगे तो वो साइडल एक्टिविटी यानी किलिंग वाली एक्टिविटी शो करेगा, बात समझ में आ गई। तो ये अपना कीमोथेरेपेटिक एजेंट, ये उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, छोटा सा लेक्चर था बेटा, ठीक है, पढ़ना है इसको अच्छे से, रिवाइज करना है, पीडीएफ मिल जाएगी, ये मेरा नंबर है, बाद बाकी अपनी एप्लीकेशन है, इसका यूज कर सकते हो, बहुत से बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जरूरी चीज बेटा, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, रिविजन करते रहो, रिविजन करोगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने से ही काम हो जाएगा, समझे, ओके, पढ़ोगे ना, गुड, ऑल द बेस्ट।